हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और आज हम बात करेंगे कि अपने किसी भी पिक्चर को DSLR पिक्चर जैसे कैसे बनाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूं आपको और ले चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो ये हमारा एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन का नाम है आफ्टर फोकस। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको प्ले आफ्टर फोकस को ओपन करते हैं और देखते हैं कैसे अपने फ़ोटो को DSLR कैमरे जैसे बना सकते हैं। ये दोस्तों, ये ओपन हो गया हमारा आफ्टर फोकस एप्लीकेशन। और इसके बाद आप इसमें एल्बम पे क्लिक करें, या अगर आपको डायरेक्ट फ़ोटो क्लिक करके करना है तो आप कैमरे पे क्लिक करते हैं। चलिए मैं एल्बम पे क्लिक करता हूँ, कोई भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ। ये एल्बम पे क्लिक किया, उसके बाद मैं गैलरी में जाता हूँ। गैलरी में जाने के बाद मैं आपको कैमरे से एक पिक्चर लेता हूँ। मान लीजिए मैं ये पिक्चर एक ले लेता हूँ। इस पिक्चर को हमको DSLR कैमरे के जैसे बनाना है। मैंने ये फ़ोटो ले लिया। इस फ़ोटो के बैक के सारे ब्लर करने हैं तो मैं इस पर लाइन खींच देता हूँ, क्योंकि मुझे इसी फ़ोटो को डार्क करना था और सारी चीज़ों को ब्लर करना था। इसे कहीं भी आप इस तरह करके लाइनिंग कर दीजिए, ये हो गया। इसके बाद जो प्लस का सिंबल है, आप प्लस के सिंबल पर क्लिक करिए। प्लस के सिंबल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ऊपर से तीसरी लाइन पे इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसको हटाना है और फिर से ये लाइन खींच लेना है। ये आपको यह इतनी दूर तक का आपको मतलब ये नहीं चाहिए बाहर का, उसको ब्लर कर। इसके बाद इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, उसके बाहर के सारे चीज़ ब्लर हो गई और ये सेव हो रहा है। इसके बाद इसे सेव कर लीजिए, अभी आपके गैलरी में सेव हो गया।